what is the self inductance of a coil? Self inductance kya hota hai? L, in which magnetic flux of 40 milliweber is produced. क्या गिवन है? 5 milliweber का मतलब 10 की पावर माइनस 3 वेबर. जब दो करंट, दो एम्पियर करंट उसमें से पास हुआ, तब आपको phi पता है, I पता है, L निकालना है. phi इज इक्वल टू एल आई, एल इज इक्वल टू phi बाई आई, यूनिट्स इसके हेनरी. पहला आंसर ठीक है यहाँ तक. दूसरा, 200 टर्न कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L गिवन. तो 200 टर्न्स हैं, आपको L गिवन है मिली हेनरी, तो L पता है. कैरी द करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, I पता है. फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ द कॉइल. अगर आप फॉर्मूला ये यूज करते हो, phi is Li, तो ये फॉर्मूला आपको फ्लक्स क्या देता है? टोटल फ्लक्स. तो L पता है, I पता है, टोटल फ्लक्स आ जाएगा. पर आपको ईच टर्न का निकालना है, तो जो भी आंसर आएगा एल आई, उसको नंबर ऑफ टर्न से क्या कर देना है? डिवाइड. एल पता है, आई पता है, एन पता है, तो फ्लक्स पर टर्न कैन बी कैलकुलेटेड. समझ में आ रहा है कैसे सोचना है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इफ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 4 एम्पियर पर सेकेंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होता है? DI/DT. तो DI/DT गिवन है, इंड्यूसेस एन EMF ऑफ, EMF जो पैदा हुई वो बता दी. व्हाट इज इज सेल्फ इंडक्टेंस, तो क्या आपको कोई ऐसा फॉर्मूला पता है जिसमें DI/DT और L का फॉर्मूला हो? पता है, E इज इक्वल टू LdI/dt. वैसे माइनस में होता है, पर इसमें माइनस हटा दिया. पता है क्यों? क्योंकि L कभी नेगेटिव होता ही नहीं. तो EMF LdI/dt, L इज इक्वल टू EMF/DI/dt. EMF पता है, DI/dt पता है, आंसर हेनरी में छोड़ दो, मिली हेनरी में छोड़ दो, कोई फर्क नहीं. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट, 12 वोल्ट की बैटरी है और 6 ओम, एक 6 ओम का इंडक्टर क्वाइल है और 10 हेनरी उसकी इंडक्टेंस है. इस क्वाइल का R भी गिवन है और L भी गिवन है. थ्रू अ स्विच ड्राइव्स अ कॉन्स्टेंट करंट थ्रू द सर्किट. तो मुझे एक बात बताओ कि आपके पास सपोज करो एक इंडक्टर है, ठीक है, आपके पास एक इंडक्टर है जिसकी 6 ओम की रेजिस्टेंस है और जिसकी इंडक्टेंस 10 हेनरी की है. L आपको गिवन है. ये फर्दर एक बैटरी के साथ गिवन है, 12 वोल्ट की बैटरी है. अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि करंट कांस्टेंट है, तो इंडक्टर का इसमें कोई रोल नहीं है. इंडक्टर अपने अंदर सेल्फ ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं करेगा, क्योंकि करंट क्या है? कांस्टेंट है. पहला स्टेप क्लियर है. करंट अगर चेंज होगा फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी. वो कह रहा है पहली लाइन में करंट कांस्टेंट है. करंट कांस्टेंट वाली स्टेट को पता है क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट का मतलब कि बहुत देर से बैटरी लगी हुई है, बैटरी का करंट कांस्टेंट जा रहा है, इंडक्टर का कोई रोल नहीं है. तो अगर मैं ये पूछूं करंट कितना है, तो आप 12 को इसके रेजिस्टेंस 6 से डिवाइड करके क्या आंसर निकालेंगे? 2 एम्पियर. तो 2 एम्पियर इसमें करंट है. क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, ठीक. तो पहली लाइन यही है कि इंडक्टर का कोई रोल नहीं है क्योंकि कांस्टेंट करंट है, तो करंट 2 एम्पियर जा रहा था. फिर वो कह रहा है स्विच इज सडनली ओपन, मैंने कनेक्शन तोड़ दिया, करंट क्या हो गया? एकदम जीरो. तो 2 एम्पियर से एकदम जीरो हो गया, इंडक्टर का रोल आ गया क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, तो जीरो हो गया. और ऐसा करने में कितना टाइम लगा? 1 मिली सेकेंड. क्या निकालना है? एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी है. तो ईएमएफ का फॉर्मूला देखो, ईएमएफ का फॉर्मूला होता क्या है? माइनस LdI/dt. इंडक्टेंस आपको पता है 10 हेनरी. करंट पता है आपको, पहले करंट कितना था? 2. अब कितना हो गया? 0. तो चेंज इन करंट क्या है? 0 माइनस 2. और टाइम भी आपको पता है, तो DI/DT आंसर. तो समझ में आ रहा है कैसे सोचना है इसमें? ठीक. 34th, इंडक्टर 5 हेनरी का इंडक्टेंस है, कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर. फिर से करंट कॉन्स्टेंट है.
हाउ कैन 50 वोल्ट सेल्फ इंड्यूस बी मेड टू अपियर इन अ कंडक्टर, कह रहे मैं चाहता हूँ इंड्यूस BMF कितना है 50 वोल्ट डेवलप हो जाए, तो कुछ ना करो करंट को जीरो कर दो, पहले करंट कितना है 2, अब कितना हो गया 0, तो चेंज इन करंट कितना है 0 में से 2। EMF क्या चाहते हो 50, L आपको पता है पुट करो, E पता है, L पता है, DI पता है, टाइम 0.2 सेकेंड, तो आप एंड में लिखोगे कि अगर आप इसमें करंट को 2 से 0 एम्पियर करोगे इतने समय में तो 50 वोल्ट की EMF डेवलप हो जाएगी। टाइम निकाल दो, इसमें मिसिंग वैल्यू निकालोगे और निकालोगे भी क्या, समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे सोचना है इसमें। 35, वॉट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर सोलेनॉइड, यानी कि क्या निकालना है, एल 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, एल 2 सेंटीमीटर रेडियस आर, और नंबर ऑफ टर्न्स के बना है, तो एल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एल पता है, आर पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, एल का फॉर्मूला पता है, एल के फॉर्मूले में एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, आंसर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नॉर्मली एल आपको गिवन होता है, इसमें गिवन नहीं है तो एल निकालना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट, एयर कोर सोलेनॉइड विद लेंथ गिवन, एरिया गिवन, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन, करंट गिवन, करंट सडनली स्विच्ड ऑफ कितना कर दिया 0, इतनी देर में एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस दिस स्विच, बैक ईएमएफ का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंडक्टर की इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ एक ही बात है, तो प्रॉब्लम यह है कि इसमें एल नहीं गिवन, एल के डायमेंशंस गिवन है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एल पता है, एरिया पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, और करंट 2.5 एम्पियर से 0 हो गया, तो DI पता है 0 - 2.5, तो बैक EMF या इंड्यूस्ड EMF का ये फॉर्मूला है, प्रॉब्लम ये है कि DI तो पता है, DT भी पता है, L नहीं पता, L का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो और आंसर आएगा, अगर L नहीं गिवन तो इस फॉर्मूले को पुट करके आपको L निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट, अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टार्ट हो गया, अभी सेल्फ इंडक्टेंस था, अब न्यूमेरिकल्स ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस।